हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड यू वाचिंग ऑब्वियसली संगीता मेहंदी आर्ट। और आज है 7 डेज मेहंदी डिज़ाइन का, तो आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे शेडोज़ की, जो कि मेहंदी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि शेडोज़ होती है मेहंदी में। कोई भी फ्लावर के अंदर जो फिल होता है उसे शेडोज़ बोलते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ पर नहीं होती है, कौन सी डिज़ाइन में अच्छी लगती है, कौन सी में नहीं लगती है। पहले हमें एक सीधी लाइन खींचनी है और छोटी छोटी ड्रॉस कर देनी है, और दूसरी साइड वैसी की वैसी। अगर कहीं पर हमें सीधे भी शेडोज डालनी होती है, कहीं उल्टी डालनी होती है, तो उस टाइप से दोनों तरह की हम बना रहे हैं। और थर्ड में थोड़ा थोड़ा पास पास में शेडोज होती है, तो ये वाली डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्राइडल के हाथों में मेहंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। और इसके बिना मेहंदी प्रैक्टिस बहुत ही नामुमकिन के बराबर है, तो ये वाली क्लास ज़रूर अटेंड करें। हर क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। और ये वाली डिज़ाइन है जो कि थोड़ा सा लाइन को टेढ़ा करके, ये वाली डिज़ाइन काफ़ी जगह यूज़ होती है, तो इसलिए ये वाली डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट है। कुछ आज 20 डिज़ाइन शेडोज़ की दिखाएंगे, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मेंशन कर सकते हो अपनी स्टोरी की, हाँ हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। तो संगीता मेहंदी आर्ट से इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए और अपनी जो भी राय है वो दीजिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं लगातार, वो भी बता दीजिए। और ये वाली राउंड वाली जो है, ये फ्लावर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि ये शेडोज के रिलेटेड है मेहंदी। और ये छोटे छोटे हार्म्स जो कि एकदम बारीकी से हल्की हल्के हाथों से ये शेडोज बनाई जाती है। और ये वाली जिगजैग वाली लाइंस है जो कि बेहद ही खूबसूरत लगती है ब्राइडल के हाथों में। और हर मेहंदी में ये शेडोज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आप प्लीज़ इससे क्लास को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ मैं एक बार बता रही हूँ, तो आप एक बार प्रैक्टिस मत कीजिए, आप बार बार इस चीज़ को दोहराइए और वीडियो को पॉज कर करके सारा वापस वीडियो 3-4 बार ये वाली डिज़ाइन बताओगे, तो बाद में अच्छी फिनिशिंग आएगी मेहंदी के अंदर, आर्ट आपका वर्क करेगा, आपकी मेहंदी अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। और धीरे धीरे आप स्पीड भी बनाना सीख जाओगे, तो ज़्यादा मेहंदी के अंदर मैटर करता है कि फिनिशिंग आए। और आपकी मेहंदी के अंदर जितनी ज़्यादा फिनिशिंग आए उतनी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और अगर आपके रिलेटेड में भी कोई मेहंदी सीखना चाहता है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वाला वीडियो उन तक भी पहुँचाएँ। और ये वाली लाइन्स बराबर बारीकी से बनाए, और पास पास में भरवी मेहंदी डिज़ाइन बनानी है, जो कि बेहद ही खूबसूरत शेडोज वाली मेहंदी के अंदर ही आती है। और अगर हम कोई बेबी शोवर मेहंदी डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें कपड़ों वाली डिज़ाइन होती है, वो इस तरह की से हमें बनानी होती है, तो इसके अंदर ये वाली शेडोज बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है अभी। और ये वाली जो डिज़ाइन है, ये लीव्स पत्ती वाली डिज़ाइन है, जो कि एक साइड में मेहंदी डिज़ाइन शेडोज होती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है और देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ये लास्ट में लीव्स वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लावर के आसपास जो भी पत्तियाँ बनाते हैं हम, उसमें ये वाली पत्ती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये वाला हमें बनाना बहुत आसान है। और ये फ्लावर्स के अंदर ही डिज़ाइन आती है, ये डॉट डॉट वाली, जो कि बेहद ही आसान है। और ये वाली डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है अभी, केवल इस पर ही मेहंदी बना दो तो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अगर ये वाली 40 दिन की क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं लीव्स की मेहंदी लेके आऊँगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें।